गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह के साथ, और गाइस अभी तो हम लोग घर में हैं। थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं तखतपुर मंडी सब्जी खरीदने के लिए। और गाइस आपने उस दिन का प्रॉफिट जो है नहीं बताया था, जो परसों शुक्रवार के दिन अपना सब्जी नहीं बिका था, तो पानी गिर गया था, आंधी तूफान आ गया था, तो कुछ भी सब्जी नहीं बिका था, पूरा सब्जी बचा हुआ था। और वैसे ही कल भी यार शनिवार के दिन शाम को समाना कल कस के पानी गया और आंधी तूफान भी कल आ गया, तो अपना जो सब्जी था उस दिन का बचा हुआ था उसको जितना का नहीं था उतना कम रेट में बेच रहे थे। जैसे ना 30 का था तो उसको 20 रुपए ही बेच रहे थे, 10 का था तो 5 रुपए ही बेच रहे थे, ऐसे एकदम कम रेट में ये बेच रहे थे यार। और अपना प्रॉफिट तो उस दिन का नहीं हुआ है, 1 रुपया भी नहीं हुआ है। और उस दिन ना 9,500 रुपए की सब्जी लेकर आए थे, जिसको हमने मात्र 2 दिन में 9,000 रुपए का सेल किया है। और करेला तो पूरा खराब हो गया था, और बहुत खराब हो गया था। 30 रुपए किलो का करेला था अपना खरीदी रेट, उसको 20 रुपया 15 रुपए 10 रुपए करके ऐसे तैसे करके बेचे, तो ले देख मतलब 500 रुपए ही मतलब अपना नुकसान हुआ है, लॉस। और गाइस परसों से ही यार हमारे गांव में लाइट गोल है, 3 दिन हो गए हैं आज हमारे गांव में लाइट गोल हुए। मात्र मेरे मोबाइल में ना 4% चार्जिंग है, उसी दिन का बचा हुआ है, और लाइट अभी तक नहीं है। कल भी ब्लॉग नहीं बनाया था, आज वही बचा है ना, तो थोड़ा थोड़ा 4% बचा है उसी में वीडियो बना रहा हूँ। और हम लोगों का यार सबसे ज्यादा ना पानी की परेशानी हो रही है, हमारे ना गांव में एक भी नल नहीं है, जितना भी नल था ना सब में बोरिंग फिट कर दिया है, और सौर ऊर्जा वाला भी नहीं है ना, तो पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रहे है हमको तो। और हमारे टंकी में थोड़ा थोड़ा पानी भरा था, वही अभी काम चल रहा है। और आज देखेंगे इससे अपना गाँव में लाइट आता है कि नहीं यार, और अपने मोबाइल को चार्जिंग के लिए ले जाऊंगा तो किसके यहाँ दूंगा, ऐसा लग रहा है यार। तो देखते हैं चार्ज हो पाएगा तो वीडियो बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और गाइस घर का भी ब्लॉग बनाओ करके यार कमेंट करते हो, तो चलो थोड़ा थोड़ा अपना घर घुमा देता हूँ, हमारा घर कैसा है उसको। तो गाइस ये देख सकते हैं, सबसे पहले इसको देखो, ये घर अभी हमारा बन रहा है, ये देख सकते हैं अभी जोड़ाई का काम चल रहा है, अभी वहां तक पहुंचा हुआ है, चौखट लगा हुआ है, और पानी की वजह से आज काम रुका हुआ है। और ये देख सकते हैं ये वाला घर है भैया का है, ये घर पूरा बन गया है, मात्र फ्लोरिंग होना बाकी है और मतलब पेंट वेंट होना बाकी है। और अपना यहाँ पर है वाला घर जो वहाँ रहते हैं, मतलब यहाँ पर अपना छोटा सा दुकान है देख सकते हैं, जिसमें एक दिन में 200-300 रुपये का बिक्री हो गया तो बहुत है, देख सकते हैं छोटा सी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और अभी अपना दुकान को वहाँ पर सामने में लेके जाएंगे, वाले यहाँ पर इस वाले में शटर वटर लगाएंगे, इस नया बना रहे इसी में मस्त नए दुकान खोलेंगे। ये देखो ग्राहक भी आ गए, काल भी दो ठो राश्री, सबसे ज़्यादा हमारे दुकान में राश्री और विमल यही बिकता है। अब चलो गाइस यहाँ से इंटर पास करते हो बताते हैं, ऐसे आते हैं और अपना घर का जो मेन द्वार है यहीं से जाते हैं हम लोग, ये देख सकते हैं ये देखो, और जस्ट यहाँ से आते हुए ये देख सकते हैं ऐसा है। और ये देखो इस साइड यहाँ पर है नींबू का पेड़, यहाँ पर भी है 2 पेड़, मौसम्बी का था वो पूरा सूख गया है, और मोंगरा का फूल है मस्त। और ये देख सकते हैं अपना ये वाला घर है, यहाँ पर गाय बल बांधते हैं, और यहाँ पर देखो छोटू का भोजन चल रहा है, वहाँ पर देखो बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये देख सकते हैं अपना घर, ये पूरा ये है अपना कमरा, इसी में हम सब लोग सोते हैं। और ये देख सकते हैं ये वाला पूरा बैटरी लो हो गया यार एकदम से, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ब्राइटनेस एकदम से कम हो गया है। तो चलो गाइस इतना ही है, यहाँ पर भी है अपना मतलब खोली कमरा, ये घर ढप रहा है मतलब पूरा गिर गया, गिर जाएगा ऐसा हो गया है पूरा, वो देखो फट फट गया है ना, तो यहाँ पर नहीं रहते हैं, पूरा सामान रखा हुआ है यहीं पर। और इधर जाओगे तो गाइस अपना बाड़ी है यहाँ पर, ये देख सकते हैं निकलोगे तो बड़ा है मस्त अपना बाड़ी जो है, ये देख सकते हैं यहाँ पर छेना वेना थापते हैं, और यहाँ पर अपना बोर भी है, बोरिंग है जो कि अभी लाइट गोल है तो पूरा बंद है। और यहाँ पर अपना नींबू का पेड़ भी है देख सकते हैं, जो कि पूरा नींबू फल से लदा हुआ है मस्त, ये देख सकते हैं टंकी में भी थोड़ा सा ही पानी होगा, ये देखना थोड़ा सा वो भी पूरा खादा खादा। और यहाँ पर अम्मा बर्तन धो रही हैं, देख सकते हैं अमरूद का पेड़ है, भी का आम वाम है, और ये नींबू का तो दिखा चुका है, 2-4 नींबू सूख भी गया है ये देखो यहाँ पर, और वहाँ की ठीक लगा है यार नींबू का फल जो है ठीक ठाक है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है लेकिन इसमें रस आ गया है, ये देखो मस्त एकदम रसदार नींबू है। इस साइड ज़्यादा है दिखाता हूँ देखना, ये देखो इस साइड थोड़ा ज़्यादा फल है, मस्त फला हुआ है,
तीन पेड़ है नींबू का हमारे घर में, जो कि तीनों ही फला हुआ है। और यहाँ पर है यार रुई का पेड़, ये देखो पोनी रुई अल का बोलते हैं है? पोनी पोनी बोलते है गाइस इसको, मतलब पोनी और कप्सा बोलते, पोनी तो जहाँ था कप्सा बोलता है इसको। तो गाइस अपना घर का टूर दिखा चुका हूँ, कैसा है क्या है उसको थोड़ा थोड़ा दिखाया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया हूँ, और जितना है उतना दिखा दी हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ही है। तो अब चलो चलते हैं सीधा तखतपुर मंडी सब्जी खरीदने के लिए। ये देखो भाई पानी भरा भरा है यार मंडी में, देख सकते हैं, लेकिन हमारा जगह जो है सूखा है, यहाँ पर गाड़ी खड़ा करते हैं वहाँ पर। तो अभी गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं तखतपुर सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए। तो अभी गाइस हमने यहाँ सबसे पहले भिंडी से शुरुआत किया है, और भिंडी तो एकदम सस्ता होने जा रहा है यार। और ये देख सकते हैं गाइस अपना भिंडी का क्वालिटी, इसको लिए है 8 रुपए किलो में, जो कि यार 35 किलो है 280 रुपए का बना है। ये देख सकते हैं क्वालिटी कुछ ऐसा है, ठीक ठाक है यार 8 रुपए किलो में, और क्या मिलेगा, सस्ता होते ही जा रहा है। तो गाइस अपने पास क्या क्या सब्जी है पूरा एक साथ ले लिया है और एक साथ दिखाता हूं। तो गाइस ये देख सकते हैं यार 2 पैकेट बैंगन लिया है 14 रुपए किलो में, 2 पन्नी लिया है, और मेरे ख्याल से यार 20-20 किलो होगा, तो 40 किलो बैंगन है, और 2 बोरी प्याज लिया है। प्याज कितने का है पता नहीं यार, प्याज का साइज मस्त है, एक नंबर क्वालिटी में प्याज जो है। और लौकी लिया है 93 नंग लौकी, क्या सोच लिया है पता नहीं यार, पूरा देख सकते हैं 4 बोरी में भरवा के रखा हूँ, इसमें उसमें उसमें और उसमें, ये देख सकते हैं। और 7 रुपये नंग का है गाइस ये लौकी जो है यार, साइज ठीक है लेकिन यहाँ शायद बिक पाएगा जो इतना लौकी है, तो अभी मौसम भी ख़राब चल रहा है तो नहीं बिक पाता है, ये लौकी ख़राब है थोड़ा, मतलब बूढ़ा हो चुका है, ये देख सकते हैं। और टमाटर भी ले के आ गए 5 कैरेट, ये देखो क्वालिटी देख सकते हैं टमाटर का, ऐसी क्वालिटी का है कुछ, और यार कितने का है अभी पता नहीं, छोटू से पूछ के बताऊँगा, 5 कैरेट है। तो अभी गाइस बरबट्टी भी ले लिया है, ये देख सकते हैं गाइस अपना बरबट्टी का क्वालिटी, इसी को 9 रुपये मिल गया है, एकदम पतला पतला है और मस्त है, एकदम फ्रेश भी है, ये देख सकते हैं। तो गाइस जितना भी सब्जी लेना था ले लिया है और जा रहे हैं घर। और छोटू ब्रो टमाटर को कितने में दिया है? 420 रुपये रेट में 5 कैरेट दिया है टमाटर को। और प्याज कितने किलो खरीदी पड़ा है? 16 रुपये प्याज जो है 16 रुपये खरीदी पड़ा है। तो फिर चलो गाइस चलते हैं घर, आगे का ब्लॉग शायद ही बन पाएगा क्योंकि 1% बस चार्जिंग मेरे मोबाइल में बचा हुआ है। तो गाइस अभी बज चुका है शाम के 4:30, और अभी हम लोग जा रहे हैं यार धनराज का बाजार, आज है रविवार, और गाइस उतना समय आ रहा था तखतपुर से ना, तो 1% मात्र चार्जिंग बचा हुआ था, वो रास्ते में ही खत्म हो गया था, और अभी जा रहे हैं यार धनराज का बाजार। और गाइस ये देख सकते हैं जैसे ही शाम होता है ना, वैसे ही यार मौसम बदल जाता है और पानी गिरना भी स्टार्ट हो गया है, ये देख सकते हैं शीशे में दिख रहा है गाड़ी के कांच में, और देखते हैं यार बाजार करने देगा कि नहीं। और बहुत ज्यादा सब्जी लेके आए हैं और मैं छोटू बस जा रहे हैं, आज बाबू नहीं है, इस साइड तो पानी गिर के छोड़ दिया गाइस, देख सकते हैं रोड गीला है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं धनराज का बाजार, और आंधी तूफान चालू हो गए है, और मैं तो सोच रहा था कि आज ब्लॉग बना पाऊंगा कि नहीं आगे कैसे करके, लेकिन यार 2 बजे लाइट आया, तीसरा दिन मतलब लाइट आया, 3 दिन से लाइट गोल था। तो चलो गाइस अपना सब्जियां का दुकान लगाते हैं। तो फाइनली गाइस अपना दुकान जो है लग के रेडी हो चुका है। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरे पास है 93 नंग लौकी, जिसको बेच रहा हूँ 10 रुपये नंग, 7 रुपये नंग का है, 10 ही बेच रहा है, मौसम खराब है इस कारण। कद्दू है 20 रुपये किलो, एक कद्दू को काटे हैं, देख सकते हैं हरा वाला है, लाल भाजी 50 जूरी, इसको दे रहा हूँ 20 के 6 जूरी। तो गाइस रेट बता ही रहता है क्या, देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ लग गया, बरबट्टी को भी 20 दे रहे, भिंडी को भी 20 रुपये किलो दे रहे, बैंगन को भी 20 रुपये किलो, टमाटर को भी 20 रुपये किलो, और आलू को 35 रुपये किलो, प्याज को भी दे रहे हैं 20 रुपये किलो, और बस इतना आइटम है, बगल में थोड़ा सा बचा हुआ है गंवारपल्ली, उसको भी 20 रुपये किलो दे रहे हैं। और ग्राहक देख सकते हैं शुरू से मस्त लगा है, आज मार्केट में ना व्यापारी लोग थोड़ा कम है, इस कारण जल्दी भीड़ लगा और मौसम खराब है इस कारण भी, तो मस्त भीड़ लगा है। देखते हैं जो इतना सारा सब्जियां है और मेरे पास ये लौकी है वो बिक पाता है कि नहीं। कद्दू ये देखो आधा हो चुका है, मतलब 3-4 किलो काटे थे, और भीड़ मस्त लगा है। अपना कैमरा सेटअप अब रख देता हूँ, लौकी 10 रुपये नंग, 10 रुपये नंग, 2 किलो भाता।
बरबट्टी कैसे लगा है? बरबट्टी 20 रुपए किलो। लौकी 10 रुपए नंग 10 रुपए नंग तो गाइस देख सकते हैं मार्केट पूरा खाली हो चुका है और आज का मार्केट जो है बहुत ही बढ़िया रहा है। ये देख सकते हैं अपने पास बचा हुआ है 7 नंग लौकी जो कि रूढ़ा हो गया है तो भी बचा है तो बेच देंगे यार, बिकेगा तो नहीं बिकेगा फिर गाय खाएगा। और देख सकते हैं बरबट्टी थोड़ा बचा हुआ है उसको है ना 9 रुपये किलो का है, बरबट्टी नहीं बिक रहा था तो यार 10 रुपये किलो ही बेच दिया बरबट्टी को। आखिरी में भिंडी बिक गया है, बैगन थोड़ा सा बचा हुआ है और अभी भी ग्राहक लगा है यार, बैगन बिक जाएगा, टमाटर बिक जाएगा, टमाटर को भी थोड़ा सा बचा है 10 कर दिया है, आलू को 35 कर दिया है, एक बोरा प्याज वहाँ पर बिक चुका है, एक बोरी बस डाले थे और बाकी देख सकते हैं खाली खाली सा लग रहा है अपना दुकान जो है ठीक ठाक चला यार। तो फाइनली गाइस सब मार्केट तो पूरा खाली हो चुका है, अब बचे हुए थोड़ा थोड़ा सब्जी है उसको उठाते हैं। ये देखो गाइस लौकी जो 7 नंग बचा था वो नहीं बिक पाया और बरबट्टी लगभग 3 किलो होगा, 3 किलो ही बचे हैं बरबट्टी जो है और 1.5 किलो के लगभग बैगन होगा, टमाटर तो ना खराब वाला टमाटर बचा हुआ है बाकी बिक गया है और आलू को उठा रहे हैं। देख सकते हैं आलू 1 क्रेट से थोड़ा कम है और वहाँ पर बचा हुआ है 1 कटोरा प्याज और थोड़ा सा धनिया और आज का मार्केट बहुत ही बढ़िया। तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस कल था रविवार और धनराज का बाजार था और कल का बाजार जो है आप लोगों ने देख ही लिया होगा यार कैसा था, कल का बाजार जो है बहुत ही बढ़िया था यार, बहुत ही दिन बाद ऐसा चला है धनराज का मार्केट जो है। और गाइस मैं 93 नंग लौकी लेकर गया था लेकिन लौकी को छोटू को बोला था क्या सोच समझ के इतना लिया करके, लेकिन यार ऐसे तैसे करके बिक ही गया, मात्र 7 नंग बचा हुआ था अपना लौकी, वो भी थोड़ा बुढ़ा जैसा है या मतलब खराब जैसा बचा हुआ है और ठीक चला यार। कल के मार्केट में बहुत ही बढ़िया सब्जी अभी के यार, मतलब ना बहुत दिनों के बाद बिका है वहाँ पर धनराज बाजार में। और अपना कल की टोटल सब्जियों की बात करें ना तो हम लोग 6,040 रुपये की सब्जी लेकर गए थे जिसको हमने सेल किया था 6,840 रुपये का, तो अभी गाइस अपना प्रॉफिट बनता है 800 रुपये। और ना अभी भी हमारे पास यार आलू बचा हुआ है 1 क्रेट से थोड़ा कम और 2 क्रेट टमाटर, टमाटर 3 क्रेट ही बेच पाया वो भी 20 रुपये किलो में, बहुत कम प्रॉफिट में बेचे थे टमाटर। और बाकी सब्जियां तो ठीक ठाक चला यार, अपना 1 बोरी प्याज का ही हिसाब बताया हूँ, 1 बोरी को आज में जोड़ दूंगा क्योंकि 1 बोरी ही बिका था तो ठीक ठाक रहा यार। अभी भी अपने पास मान के चलो ना 1700-1800 रुपये का सब्जी अपने पास पूरा बचा हुआ है और अभी भी हमको 800 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। तो गाइस कल का वीडियो काफी लंबा बन चुका है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़ जय श्याम गाइस।